सत श्री अकाल दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके चैनल टेक विद सिंह पे। दोस्तों, टेली परफॉर्मेंस में चल रही है हायरिंग, जिसको आप घर बैठे कर सकते हो। साइड लेज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो के साथ एंड तक बने रहना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि मोटिवेशन बनता रहे, मैं आपके अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आ सकूं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पार्ट वन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही है जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताई थी, कि यहाँ पे आपने कस्टमर कैंडिडेट्स ने क्या करना है, कस्टमर की इनबाउंड और आउटबाउंड कॉल्स को मैनेज करना है। सेकंड दोस्तों, आपने एस्टेब्लिश करना है और मेक श्योर कस्टमर की सेटिस्फेक्शन का ध्यान रखना है, उनको प्रोडक्ट्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में, इसके अलावा ऑपरेशंस के बारे में ध्यान से समझाना है। और साथ ही दोस्तों, आपने जो जो जब जब उनको कोई प्रॉब्लम आती है, उनका आपने समाधान देना है। थर्ड दोस्तों, आपने कस्टमर्स को कॉन्टैक्ट करने, क्योंकि ये इनबाउंड भी और आउटबाउंड भी है, तो आपने कस्टमर्स को कॉन्टैक्ट करना है और उनको फीडबैक भी देना है कि भाई उनकी प्रॉब्लम जो उनको आ रही थी, वो रेजोल्यूशन उसको प्रोवाइड किया गया है, नहीं किया गया है, वो कहां तक पहुंची है। फोर्थ दोस्तों, आपने मेंटेन रखनी है इन्फॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी, कि मेक श्योर जो कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है, वो लीक ना हो। और दोस्तों लास्ट पॉइंट, जो भी अदर ड्यूटीज आपको कंपनी के द्वारा दी जाएगी, वो आपने करनी है। पार्ट थर्ड की दोस्तों यहां पे बात करते हैं, जो कि है क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स। सबसे पहले देखिए दोस्तों, इन्होंने कहा है कि यहां पे आपको 18 साल या 18 साल से ऊपर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेक श्योर दोस्तों, आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। आप अगर अंडर ग्रेजुएट हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ग्रेजुएट हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, फ्रेशर्स या एक्सपीरियंस दोनों लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ दोस्तों, आपके एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए हिंदी में, तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप हिंदी डोमेस्टिक प्रोसेस के लिए अप्लाई करो, तो ये आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सब लोगों के लिए, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि सर हमारी इंग्लिश ज्यादा अच्छी नहीं है। तो अगर आपकी ज्यादा अच्छी इंग्लिश नहीं है, बट इंग्लिश ठीक है, मतलब कि नॉर्मल आप बात कर सकते हो, आपको पास्ट एंड प्रेजेंट की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है कैसे यूज करना है, या नॉर्मली आप किसी से भी इंटरेक्शन करके, मतलब चार पांच लाइनें तो दोस्तों हर कोई बोल लेता है, तो अगर आप उतनी बातें इंग्लिश में बोल सकते हो, प्लस आपकी हिंदी अच्छी है, जो कि मुझे लगता है होगी ऑब्वियसली, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। पार्ट फोर्थ की दोस्तों बात करते हैं, जो कि है स्किल्स। सबसे पहले देखे तो जैसे कि ये वर्क फ्रॉम होम की जॉब है, तो यहां पे आपके पास अपना लैपटॉप या फिर पीसी होना चाहिए। सेकंड दोस्तों, आई5 प्रोसेसर उसका बहुत जरूरी है, होना चाहिए। थर्ड, 8GB रैम और विंडोज 10 या विंडोज 10 से ऊपर आपकी जो है विंडोज होनी चाहिए। फोर्थ दोस्तों, आपके पास वाईफाई या फिर ब्रॉडबैंड कनेक्शन घर पे होना जरूरी है। पार्ट फिफ्थ की दोस्तों बात करते हैं, जो कि है सैलरी। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको पीएफ भी मिला करेगा, आपकी ईएसआई जो कि इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, यानी कि ईएसआई जो ऑब्वियसली आपको पता है कि गवर्नमेंट में भी आजकल बहुत चलती है, तो ये आपका इंश्योरेंस भी यहाँ पे कवर्ड रहेगा। थर्ड दोस्तों, आपको यहाँ पे 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब दी जाएगी, तो अगर आपको लगता है कि भाई अभी आपके पास जॉब नहीं है, या आपको भी 3-4 महीने आप फ्री हो, तो आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। फोर्थ दोस्तों, 6 डेज यहाँ पे वर्किंग रहने वाला, रोटेशनल आपको छुट्टी मिला करेगी, वीक ऑफ्स मिला करेंगे, और प्लस यहाँ पे आपको डे शिफ्ट भी मिला करेगी और रोटेशनल शिफ्ट भी मिला कर सकती है। लास्ट दोस्तों, मेक श्योर आपके घर पे पावर बैकअप होना बहुत ही जरूरी है, कि अगर इनकेस लाइट जाती है, तो स्टिल आपका जो वाईफाई है, आपका जो लैपटॉप या पीसी जो आप यूज कर रहे हो, वो आप कंटिन्यूअसली यूज कर सकते हो बिना कोई प्रॉब्लम के। अब दोस्तों लास्ट पार्ट की बात करते हैं, कि कैसे आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अप्लाई करना बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर आप चेन्नई रीजन के रहने वाले हो, तो यहां पे आप घर बैठे इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। कंपनी के एचआर का नंबर यहां पे 6 डिजिट्स आपको शो हो रही होगी, लास्ट की 4 डिजिट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उनसे इंटरेक्शन करके जो है अपना इंटरव्यू शेड्यूल करवा सकते हो, उनको ईमेल या फिर व्हाट्सएप पर अपना अपडेटेड सीवी भेज दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो पे। आज की वीडियो में मैंने आपको साइट लिस्ट बता दी है, होप करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मोटिवेशन बनता है, मैं आपके अच्छे वीडियोस लेकर आ सकूं। चैनल पे नया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट ऑन द वे है जो मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।